वेलकम बैक। कराची में तेल की पाइपलाइन फट गई, डिफेंस की गलियों में तेल बहने लगा, पुलिस ने गलियां सील कर दी हैं। नेशनल ऑयल रिफाइनरी के इंजीनियर्स ने आरजी मरम्मत के बाद ऑयल लीकेज रोक दी। मजीद तफसील बता रहे हैं सलमान लोधी। रिफाइनरी की लाइन लीक होने की वजह से लाखों रुपए मालियत का क्रूड ऑयल सड़क पर बहना शुरू हो चुका है, जिसके बाद पुलिस, रेंजर्स और डीएचई की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये जो ऑयल की लाइन है केमाड़ी ऑयल टर्मिनल से कोरंगी में ऑयल रिफाइनरी को कनेक्ट करती है। ये इस लीकेज के बाद फौरी तौर पर मुतालका महकमों को इतला दी गई, जिन्होंने इस लाइन को अब बंद कर दिया है। आरजी तौर पर इस कंपनी के कुछ इंजीनियर्स भी आए थे, वो ये कहते हैं इस रोड की खुदाई का अमल की रोशनी में शुरू किया जाएगा और इस लीकेज को बंद किया जाएगा। क्रूड ऑयल इस वक्त भी रोड पर मौजूद है। पुलिस कहती है इस हिस्से को कॉर्डन रखा गया है, इनकी रोशनी में यहां पर खुदाई का अमल शुरू किया जाएगा और उसके बाद जो लीकेज है उसको बंद किया जाएगा।